जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया था जिसमें हमने क्लास 9th के साइंस के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 मैटर इनर्ट सराउंडिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में किए थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को वहां पर जाके भी देख सकते हैं, क्योंकि गाइस वो वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी जरूर दबाएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स, एंड द ऑप्शंस आर ए वेट, बी डेंसिटी, सी वॉल्यूम एंड डी मास। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो गाइज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी मास। सो गाइस, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। इन विच फिनोमिना वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एंड द ऑप्शंस आर ए कंडेंसेशन, बी इवेपोरेशन, सी बॉइलिंग एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी इवेपोरेशन। सो गाइस, इन इवेपोरेशन द वॉटर चेंजेस इन टू वॉटर वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। नेम द स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट्स ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, एंड द ऑप्शंस आर ए लिक्विड स्टेट, बी गैसियस स्टेट, सी प्लाज्मा स्टेट एंड डी सॉलिड स्टेट। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी प्लाज्मा स्टेट। सो गाइस, प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट्स ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। अ गैस विच ऑबेज द गैस लॉ इज नोन एज, एंड द ऑप्शंस आर ए एन आइडियल गैस, बी अ रियल गैस, सी अ लाइटर गैस एंड डी अ हैवियर गैस। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। And your time starts now. Time up दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is A, an ideal gas. So guys, a gas which obeys the gas laws is known as an ideal gas. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर, एंड द ऑप्शंस आर ए स्मोक, बी फीलिंग ऑफ हॉट, सी वाटर एंड डी टेबल। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी फीलिंग ऑफ हॉट।
सो गाइज अमंग दिस फीलिंग ऑफ हॉट इज नॉट अ मैटर। गाइज फीलिंग ऑफ हॉट का मीन्स होता है कि आपको कोई चीज गर्म लग रही है, तो अगर कोई चीज आपको गर्म लग रही है तो वो आपको ना तो दिख रही है ना आप उस चीज को छू सकते हो, ठीक है, बस वो आपको हॉट ऐसा लग रहा है, आपको कोई चीज वो फील हो रही है ऐसी। तो गाइज जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो मैटर नहीं होते। जैसे टेबल यहाँ पर एक एग्जांपल था, तो टेबल क्या है, मैटर है, क्योंकि उसे हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। एंड वाटर, वाटर को भी हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। स्मोक, स्मोक जो धुआं होता है उसे भी हम देख सकते हैं, तो वो भी मैटर है। लेकिन यहाँ पर हम कोई चीज़ अगर फील कर रहे हैं तो वो मैटर नहीं है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। इफ वी कन्वर्ट 38 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल द करेक्ट टेम्परेचर विल बी, एंड द ऑप्शंस आर ए 38 केल्विन, बी 318 केल्विन, सी 311 केल्विन एंड डी 310 केल्विन। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी 311 केल्विन। सो गाइस इफ वी कन्वर्ट 38 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल द करेक्ट टेम्परेचर विल बी 311 केल्विन। अब गाइस आप सोचोगे कि 38 डिग्री सेल्सियस का 311 केल्विन आया कैसे, तो आप उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड देखें, उसमें मैंने आपको कन्वर्जन सिखा रखा है कि किस तरीके से आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है। सो गाइज 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। गाइज एक्चुअल में 273.15 होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए 273 केल्विन लेते हैं। सो गाइज 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन एंड 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273+1। क्या करना है आपको, आपको केल्विन में ये जो सेल्सियस दे रखा है उसे प्लस कर लेना है। 273+1 मीन्स 274 केल्विन। सिमिलरली 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273+2 मीन्स 275 केल्विन। सिमिलरली जो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया 38 डिग्री सेल्सियस, उसे भी ऐसे कन्वर्ट करेंगे। 38 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273+38 विच गिव्स 311 केल्विन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। विच वन इज द सरफेस फिनोमिनन, एंड द ऑप्शंस आर ए इवेपोरेशन, बी बॉइलिंग, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए इवेपोरेशन। सो गाइज इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय, एंड द ऑप्शंस आर ए डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बी इंक्रीजिंग प्रेशर, सी बोथ ए एंड बी एंड डी इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो गाइज इफ यू नो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन यू कैन टेक्स्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी बोथ ए एंड बी। सो गाइज गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। गाइज जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तब हमारी जो गैस होगी वो लिक्विफाइड होगी। गैस लिक्विफाइड गैस का जैसे एग्जांपल होता है एलपीजी जो हमारे सिलेंडर में भरी होती है। सो गैस उसे हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, वो हम कन्वर्ट करते हैं प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके, तब वो लिक्विफाइड फॉर्म में आती है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन, एंड द ऑप्शंस आर ए लिक्विड्स, बी सॉलिड्स, सी गैसेस एंड डी प्लाज्मा। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी सॉलिड्स। सो गाइस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10th ऑन योर स्क्रीन। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ विच स्टेट ऑफ मैटर इज हाई, एंड द ऑप्शंस आर ए गैस, बी लिक्विड, सी सॉलिड एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए गैस। सो गाइस गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11th आपकी स्क्रीन पर। वी गेट द स्मेल ऑफ हॉट फूड इन द किचन आउटसाइड द हाउस बिकॉज ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर ए बॉइलिंग, बी इवेपोरेशन, सी सब्लिमेशन एंड डी डिफ्यूजन। सो गाइस इफ यू नो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन यू कैन टेक्स्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी डिफ्यूजन। सो गाइस वी गेट द स्मेल ऑफ हॉट फूड इन द किचन आउटसाइड द हाउस बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। गाइस जब हमारे घर में खाना बन रहा होता है किचन में, तो आपको बाहर तक खुशबू आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप स्कूल से आए और आपको बाहर गेट पर ही खुशबू आ जाएगी कि आज मम्मी ने क्या बनाया खाने में। तो वो किसकी वजह से होता है? वो डिफ्यूजन की वजह से होता है। जो खाना होगा उसकी जब खुशबू भाप के साथ उड़ेगी तो वो आपके पास तक आ जाएगी, तो ये होता है डिफ्यूजन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12th ऑन योर स्क्रीन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कॉजेज, एंड द ऑप्शंस आर ए हीटिंग, बी कूलिंग, सी ड्राइनेस एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी कूलिंग। सो गाइस द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13th ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, एंड द ऑप्शंस आर ए रेगुलर शेप, बी हाई रिजिडिटी, सी हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड डी हाई डेंसिटी। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी हाई कंप्रेसिबिलिटी। सो गाइस हाई कंप्रेसिबिलिटी इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, बिकॉज गाइस हाईली कंप्रेसिबल कौन से स्टेट ऑफ मैटर होता है? होता है गैस। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14th आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड द ऑप्शंस आर ए CO2 गैस, बी ऑयल, सी वाटर एंड डी आयरन मेटल। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी आयरन मेटल। सो गाइस आयरन मेटल हैज द हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम। जितने भी ऑप्शन है गाइस उनमें आयरन मेटल जो होता है उसका हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसा कि गाइस अभी आपने देखा था, एक पीछे क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, उसमें था कि कौन सा ऐसे स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसका हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो गाइस उसमें आया था सॉलिड, आपका आंसर था सॉलिड। तो गाइस यहां पर क्या देख रहे हैं हम कि आयरन मेटल क्या होता है? सॉलिड होता है, तो ऑफ कोर्स आयरन मेटल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। पार्टिकल्स मूव रैंडमली इन विच सब्सटेंस, एंड द ऑप्शंस आर ए नाइट्रोजन, बी ड्राई आइस, सी वाटर एंड डी शुगर। सो गाइज इफ यू नो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन यू कैन टेक्स्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए नाइट्रोजन। सो गाइज पार्टिकल मूव्स रैंडमली इन नाइट्रोजन। आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी और आज आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो गाइज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।